सबसे पहले माननीय सांसद सावित्रीबाई फुले का इस्तकबाल और नमस्कार करता हूं कि जो उन्होंने हिम्मत दिखाई, इस हिम्मत को मैं इसलिए याद कर रहा हूं और मैं उन्हें पूरे विश्वविद्यालय समाज की ओर से और पूरे पिछड़े तबके की ओर से नमस्कार कर रहा हूं, क्योंकि ये हिम्मत सब में नहीं होती है। और मैं ये बात वहीं से सिखाऊं जो मेरे पूज्य दादाजी स्वर्गीय बीपी मंडल, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी थे और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी थे, जिनके रिपोर्ट पर पिछड़े वर्ग को आरक्षण की अनुशंसा की गई, उनके एक उनका भाषण हुआ था जब वो जनता पार्टी में थे 1978 में, और बिहार में बेलछी कांड हुआ था, दलितों का घर जलाया गया था, उनका उत्पीड़न हुआ था, एट्रोसिटी हुआ था, और एट्रोसिटी में जनता पार्टी की ओर से बोलने के लिए बीपी मंडल को रखा गया था, जब चौधरी चरण सिंह होम मिनिस्टर थे और बाबू जगजीवन राम डिफेंस मिनिस्टर थे। और उनके भाषण में उन्होंने दो बहुत अहम बातें कही। उन्होंने कहा था कि जो दलित उत्पीड़न है, ये देश की सबसे शर्मनाक घटना है जो आज भी हो रही है, आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हो रही है, और इसमें हम सबों का कर्तव्य है, दायित्व है। और सरकार ने एक फिगर दिया था कि जो परसेंटेज है एस सी एस टी का, उसके उस परसेंटेज से कम हुआ है, यानी कि जो उनकी जनसंख्या है उससे कम ये घटनाएं हो रही हैं। उस पर उन्होंने चौधरी साहब को कहा था कि इस तरह की बात कहकर हम अपने आप को ही नहीं शर्मिंदा, इस देश को और संविधान को शर्मिंदा कर रहे हैं कि हम इस उत्पीड़न को और इस शर्मनाक घटनाओं को, जिसमें घरें जला दी गई थी, जिसमें उन लोगों का कत्ल किया गया था, रेप किया गया था, ऐसी घटना को हम परसेंटेज में जोड़कर हम अपने आप को इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रख रहे। और उन्होंने, उनके किसी सदस्य ने उठकर पूछा कि अगर दलित उत्पीड़न करे तो क्या होगा, उनका जवाब था कि जो सदियों से उत्पीड़न और जिस तरह से चला रहा है एट्रोसिटी, उसके जवाब में अगर एकाद हो जाए तो ये एक्सेप्टेबल है, ये क्षम्य है, नहीं होता है, वो नहीं करते हैं, इसलिए ये उत्पीड़न और बढ़ता चला जा रहा है। और ये बात वो चौधरी साहब ने मैं इसको इसलिए याद किया हूँ कि कुछ अफवाहें आ रही हैं, मैं दोबारा बधाई देता हूँ अपने तमाम साथियों को, आई बिलीव सम ऑफ अस आर फ्रॉम साउथ इंडिया ऑल्सो, आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट यू दैट ऑल ऑफ अस शोड अ रेयर यूनिटी ऑन 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को इस देश के इतिहास में, इस देश के सामाजिक इतिहास में एक बड़ी घटना हुई, और वो घटना ये थी कि तमाम जो मनुवाद से पीड़ित लोग हैं एक साथ खड़े हुए, उसको हम बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। मैं इस सभा में और बाबा साहब की स्मृति को याद करते हुए, नमन करते हुए, तमाम अपने पिछड़े साथियों की ओर से भी मैं कह रहा हूँ कि ऐसी कोई तरह का बंद और इस तरह की बात जो होगी, ये सारे जनोधारियों का षड्यंत्र होगा, इसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब हमें मिलकर देना होगा। इसी बात से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय मंडल, जय भारत।